हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बासात बास बीडर। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। वीडियो का अच्छा एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज मैंने मेरा वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से 5 ऐसी क्वेश्चन पिक किया हूँ जो कि सबके पास इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं सब लोग। इनका क्वेश्चन का आंसर सबको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने 5 कमेंट पिकअप किया है। आप इस अभी तो उन 5 कमेंट का रिप्लाई आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये मेरा फोन जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ अपने पूरा सेटअप का, और इस तरह से, और ये जो जिस फोन का वीडियो बन रहा है ये मेरा भाई का फोन है। तो अभी तो यहाँ पर मेरा जो लोगों का कॉमेंट है लेके रखा हूँ, इसलिए मैं इस फोन से नहीं वीडियो बना पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते देखते किसने, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जावेद अहमद, उनका एक क्वेश्चन है क्योंकि फिंच का अंडे ले नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, काटल बोन एक और कंगनी सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो फिंच है और अंडा नहीं ले कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे जो शौक के लिए रखते हैं उनके पास होता है। तो ब्रीडर है उसके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो लोग शौक के लिए अपने पास 2-3 पेयर फिंच रखे तो उनके पास ये प्रॉब्लम होती है। तो दादा, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत लोगों के लिए काम में आएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आप कम से कम 5 पेयर बास रखें तो ही आपके पास अच्छी ब्रीड होगा। देखिए, उन लोगों को अगर कम्युनिटी नहीं मिलेगा, मतलब कि वो लोग अकेला रहेंगे तो वो लोग अच्छी तरह से ब्रीड नहीं करेंगे। कम से कम 5 पेयर आपको रखना है, जिससे वो लोग आपको, वो लोग, उन लोगों को लगे कि हाँ, हम अकेले नहीं है, सब हमारे साथ है और हम लोग खुशहाली में रहेंगे और अपना अंडे बच्चे सब कुछ करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है आपका, आप अगर वो कटल फोन पी जो कैल्शियम के लिए हो गया, और अंडे का छिलका जो है वो भी कैल्शियम के लिए हो गया, ऐसे विटामिन कुछ आप यूज़ करो, जैसे कि भाई मिनरल हो, कोई और एक फूड हो, और कोई भी जैसे कि चींटी का अंडा हो, इस तरह का कोई नेचुरल चीज भी दे सकते हो, और नहीं तो आप हमारा जो मेडिसिन मल्टी विटामिन मिलता है वो भी थोड़ा सा यूज़ कराओ, क्योंकि हमारा केज बार्स के लिए, केज में हम लोग जो बार्स रखते हैं इनको विटामिन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। विटामिन की कमी के वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आशा करेंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा गोल्डन बार्डुइन, इन दादा का क्वेश्चन है बंगाली फिंचर एज कीभावे जाना जाए। तो दादा का क्वेश्चन है कि बंगाली फिंच का एज कैसे पता लगाए, उसका जो है वो कितने साल उसका एज है वो कैसे पता लगाए। तो उस पर मैंने वहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप साइड में, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के आंसर भी दिया है। तो यहाँ पर आपको साथ थोड़ा डिस्कस भी कर लूँ। देखिए, सिर्फ बंगाली फिंच नहीं, मेरे पास जो जेब्रा फिंच है और जो भी सारे एक्वाटिक फिंच है, तो सबका एज पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे भी सही से नहीं पता कि किस तरह से फिंच का जो है एज पता चलता है। लेकिन एक चीज़ से मैं, मुझे समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, वो कि जो नया बार्स होता है, मतलब कि जिसका एज कम होता है बहुत एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव होता है, और थोड़ा एज हो जाने के बाद उनका एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कि वो एक जगह पर बैठा रहेगा, वो अंडे पर बैठेगा, इधर उधर नहीं, कम खाने आएगा नीचे, फिर जाके अंडे पर बैठेगा। लेकिन जो कम एज का बार्स है वो बहुत चिपता है, ज़्यादा इधर उधर उठता है, अंडे पर बैठते, कभी नीचे आते, खाता है, नहाता है, फिर बहुत कुछ करता है। इस तरह के मुझे पता चलता है कि इसका एज थोड़ा कम है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर एक ब्रीडर हो या शौक से बार्स रख रहे हो, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी बार्स 2 साल से ज़्यादा अच्छी तरह से ब्रीड नहीं करता, ठीक है। सॉरी, कोई भी बार्स नहीं, कोई भी फिंच बार्स, अब तो कोई भी बार्स बोलूँगा तो आप सोचेंगे ग्रे पैरोट या कुछ भी सोचेंगे तो गलत होगा। मैं कोई भी फिंच बार्स आपके पास 2 साल से ज़्यादा अच्छी तरह से ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। आप मेल को, मेल, एक मेल आप 5 साल ब्रीड ले सकते हो, 6 साल ब्रीड कर सकते हो, लेकिन फीमेल सिर्फ 2 साल ब्रीड करेगा। कम से कम अच्छी तरह से आपके पास 2 साल से ज़्यादा ब्रीड नहीं करेगा। मैं भी 2 साल के बाद सारे हमारा फीमेल चेंज करता हूँ, मेल रहने देता हूँ, फीमेल को चेंज करता हूँ। अब भी ऐसे ब्रीडर ये सब करना आपको होगा। तो आशा करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया गोल्डन बार्स हुई। तो मुझे भी नहीं पता कि किस तरह जो फिंच का जो एज है वो पता लगाते हैं। पहले उसके बाद है बार्स एंड फिंच लवर। तो भाई का क्वेश्चन है, भाई जेब्रा फिंच का मच्छी अभी निकाल देना चाहिए या नहीं। तो उनको मैंने क्वेश्चन किया था, आंसर दिया था
कि आपने अगर पूरा साल अपने बाट से विंटर के टाइम सीजन चेंज के टाइम हर टाइम अपने बाट से ब्रीडिंग लिए हो तो अभी गर्मी में उसको रेस्ट दो, नहीं तो आपको अब अगर कभी कभी ब्रीडिंग को छोड़ के एक दो महीना रेस्ट दिया मिडिल में, कभी भी पहले दो दो क्लास अंडे बच्चे लिए उसके बाद एक महीना आपने उसको रेस्ट दिया फिर जाके आप ब्रीडिंग लिए, तो इस तरह से अब अगर ब्रीडिंग कर रहे हो तो अभी गर्मी में आपको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी में भी फिंच बहुत अच्छे ब्रीड करते हैं। गर्मी में ही फिंच जो है ज़्यादा अच्छे ब्रीडिंग करते हैं, गर्मी ही फिंच के ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है। ठंड में हिसाब से गर्मी में मेरे पास ज़्यादा अच्छा ब्रीड आता है, और मुझे इस घर में तो बहुत गर्मी है, देख सकते हो मुझे भी पसीना आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं अपने बाहर से ब्रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि मुझे आप खराब बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू ब्रीड लेता हूँ अपने बाट से, कई रेस्ट नहीं देता, हर दो साल में अपना पेयर को चेंज करता हूँ, भाई कंटिन्यू ब्रीड लेता हूँ, जो जब ब्रीड करते हैं उनको उनके पास ब्रीड करने देता हूँ, कोई मसला नहीं, दो साल के बाद पेयर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यही मेरा पॉलिसी है। और सारे बड़े बड़े जो ब्रीडर है ये खुद भी इस तरह करते हैं लेकिन वो नहीं बोलेंगे, और एज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका मतलब मैं बहुत खराब हूँ, इस तरह का नहीं सोचे आप, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या है, और उन दादा की और एक क्वेश्चन था, अभी तो गर्मी का सीजन है तो उनको गर्मी नहीं लगेगा क्या भाई, तो इसका भी मैं आपको बोलूं कि फिंजबाट का गर्मी कम ही लगता है, कॉकटेल और बजरी के हिसाब से फिंजबाट बहुत गर्मी कम लगता है, और गर्मी में भी अच्छी तरह से रह सकते हैं, तो इसलिए आप वो चिंता ना करें, आप अगर चाहे तो ब्रीडिंग ले सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप ब्रीडिंग नहीं भी ले सकते। चलिए उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है अचिंत्या चक्रवर्ती, अच्छा उसका क्वेश्चन है, दादा अपनी पाखिर काचा दिने कतबार जान, मतलब कि मैं अपने बाट के पास बाट से केज के पास दिन में कितने बार आता हूँ, ये तो एक मुझे लगा कि इसका आंसर आपको सबको जानना चाहिए, अब तो उनका आंसर भी मैंने दिया हूँ, तो अभी मैं जब अभी तो लॉकडाउन के वजह सब इधर उधर हो चुका है, अभी तो मैं सारा दिन अपने सेटअप में बाट के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं अभी जो पहले मैं और बाद में भी जो होगा सुबह एक बार फीस देने आता हूँ, मैं सिर्फ एक बार आता हूँ और रात में एक बार आता हूँ सब देखने के सही है या नहीं, मैं सुबह एक बार आके दो घंटे रहता हूँ, पूरा दाना पानी चेंज करता हूँ, सॉफ्ट फूड वगैरह सब कुछ देता हूँ, और जो है और मैं काम भी निकल जाता हूँ, रात में आके एक बार लाइट भी नहीं जलाता, बाहर से पूरा अच्छी तरह से देख के चला जाता हूँ, और मेरा जो पेरेंट्स है मतलब कि बाबा है वो दोपहर में मतलब कि शाम से पहले एक बार आके पूरा चेक कर लेते सब सही है या नहीं, मतलब कि मेरा सेटअप में मैं एक बार आता हूँ, मेरा बाबा एक बार आते हैं, ठीक है। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर में हूँ और अभी पूरा दिन अपने बाप के साथ रह रहा हूँ, बाप को दे रहा हूँ, उसको और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन है देखते हैं, रंगलाल विश्वास दादा का क्वेश्चन है, दादा हमारे जेब्रा फिंच आछे 30 पेयर किंतु बच्चा बड़ो होच्छे ठीक किंतु पटी करे मरे जाच्छे, दादा एक मेडिसिन एर नाम बोलो, तो इसका मतलब है दादा के पास जेब्रा फिंच 30 पेयर है, उनका जो चिक्स निकल रहे हैं वो बड़े होने के बाद लूज मोशन की वजह से मर रहे हैं, तो इसका कोई मेडिसिन बोलने को बोल रहा है, तो उसका जो मेडिसिन है उसके नीचे बोशियार बार्स तो हमारा संदीप दा का चैनल है, नया ओपन किया है, तो संदीप दा का चैनल में संदीप दा ने लिखा है कि O2 यूज करने को बोला है, तो रंगलाल जी ने बोला है कि O2 दे रहे हो लेकिन उससे जो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि O2 ही यूज़ करें, O2 से ही आपको रिकवर होगा, O2 बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन आप सही तरह से सही जो डोज है मेडिसिन का उस पर वो आप देख के थोड़ा यूज़ करें, तो मेरा O2 पे एक वीडियो है फुल रिव्यू वाला वीडियो, वो जाके आप एक बार देख लेंगे तो आपको O2 के बारे में पूरा डिटेल्स पता चल जाएगी कि O2 कैसे यूज़ करना है, कितने पानी में कितना सा देना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा, तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप O2 का जो वीडियो है वो एक बार देख ले, क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उसका प्रॉपर डोज हमारे बाट के शरीर में नहीं जाता, ठीक है, इसके वजह से हम वो मेडिसिन तो यूज़ करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलता, तो मेडिसिन सही से किस तरह से यूज़ करना है इसके लिए मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं O2 कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद चलते हैं तो ये पांच था और कुछ नहीं, यहाँ पर ज्यादा पांच
कमेंट लिया था, तो फिर हम एक दिन इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट वाला 5 क्वेश्चन आप करेंगे कमेंट में, तो उसको मैं पिकअप करके किसी और एक दिन इसका आंसर दे दूंगा। अभी तो इतना ही है। और पहले वाला वेडनेसडे मतलब बुधवार को मैं लाइव नहीं आ पाया था, तो इसके लिए बहुत सॉरी। तो फिर मैं इस बुधवार को भी मैं लाइव जरूर आऊंगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह का नया नया टॉपिक, नया नया डिस्कशन और बात रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे जरूर लाइक देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट जगाता है आपके इस तरह का क्वेश्चन के आंसर देने में। मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरह का जो है क्वेश्चन के आंसर देने में, कमेंट का रिप्लाई करने में, और बहुत सारा बात रिलेटेड वीडियो बनाने में, और जितना सारा मेरा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।